कानपुर के गोविंद नगर स्थित नरेन गैलेक्सी में भाजपा कानपुर महानगर दक्षिण द्वारा प्रतिम अंग और सहायक उपकरण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन में सांसद सतीदेव पचौरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों का आयोजन कानपुर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू नगर स्थित क्रोन पैलेस में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील बजाज की अगुवाई में और क्षेत्रीय नेतागणों द्वारा कृत्रिम अंग वितरण और नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने अपनी आंखों की समस्याओं को भी शिविर में उपस्थित डॉक्टरों को दिखाया और उनसे अपनी बीमारियों की जानकारी ली। इसके पश्चात कानपुर दक्षिण में नरेन पैलेस में कैंप लगाकर दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए, जिसमें डॉक्टर अनुपम जैन ने बचे हुए लोगों से भी वार्ता किया। भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि जैसा कि पिछली सरकारों में देखा गया है कि दिव्यांग जनों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी सरकार में दिव्यांगों को प्राथमिकता से स्थान मिल रहा है। दक्षिण जिले द्वारा आयोजित उपकरणों का कार्यक्रम था, जिसको ट्राइसाइकिल, मोटराइज ट्राइसाइकिल दी गई है, किसी को और उपकरण दिए गए, तो ये करीब 100 लोगों को ये उपकरण वितरण का कार्यक्रम। आज हमारे जैसे कि सेवा सप्ताह के अवसर पर होने वाले सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग जनों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए निर्देशित हुआ था। ऐसा हमारा ये कार्यक्रम हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे संगठन सबके सामूहिक प्रयास से लगभग 100 दिव्यांग जनों को आवश्यक उपकरण परीक्षण करने प्रदान किए जा रहे हैं और ये हमारा समारोह के रूप में हम सबको एक साथ बुलाया है और उनको सम्मानित करने के साथ साथ सारे उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये सेवा कार्य हम लोग कर रहे हैं।